आज सुबह सुबह एक लड़की है जो उसने कंप्लेन दर्ज कराई है बाईपास थाना में। उसने 5 लोगों पर आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया गया है। पटना सिटी में 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। 5 बदमाशों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा मचाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। बताया जाता है कि घटना सोमवार की शाम 6:30 बजे की है, जब छात्रा रामानुज कोचिंग में पढ़ने गई हुई थी। घर लौटने के दौरान बदमाशों ने छात्रा को किडनैप कर लिया। छात्रा को जल्ला वाले हनुमान मंदिर के पास एक कमरे में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता को बेहोशी की हालत में शनि मंदिर के पास फेंक कर आरोपी फरार हो गए। गोलू मुकेश, सुरगीप, प्रमोद और एक टेम्पो चालक ने मिलकर छात्रा के साथ घिनौना काम किया। सभी 5 आरोपियों के खिलाफ छात्रा के परिजनों ने बाईपास थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक आरोपी टेम्पो चालक को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी फरार हो गए हैं। चारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए NMCH भेजा गया। गैंगरेप की घटना से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने इस घटना के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया और पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। सर, बाईपास थाना क्षेत्र में एक रेप का मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला है? आज सुबह सुबह एक लड़की है जो उसने कंप्लेन दर्ज कराई है बाईपास थाना में, और उसकी कंप्लेन में हम लोग ने तुरंत FIR करी और लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया। उसने 5 लोगों पर आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया गया है। उसने बताया कि एक लड़का उसको ले गया रूम पर और बाकी 4 लोग उस रूम पे थे और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिर FIR दर्ज हो गई, मेडिकल उसका हो गया है और इसी पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी लोग हैं उनके जो भी नाम दिए हैं लड़की ने, उनके ऊपर छापेमारी भी की गई और उनको तो पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 4 बजे जाती है, 6:30 में छुट्टी होता है उसको। 4 लड़की से निकली है, 3 लड़की इधर चल गई महावीर जी दने, एक लड़की इधर आ रही थी उसको हाथ धर के जबरदस्ती ले गया है। अब 4 लड़का मिलके 5 लड़का मिलके उसको का किया ना किया, उसको गलत हुआ है। इसको हम लोग मांग कर रहे हैं, सुरक्षा कीजिए, सजा दीजिए आरोपी को, सजा आरोपी के सजा कीजिए आप लोग। कोचिंग पढ़ने गई थी, छुट्टी के क्रम में उसको जबरन उठा के ले जाया गया 4-5 लड़के द्वारा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो कम है।